ये शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का महल है और अब इसके दरो दीवार में गुजरे हुए दिनों के कुछ अफसाने रहते हैं। आज से 380 बरस पहले इस अजीम शान महल के आराम और आसाइशों से दूर। हाँ जी, सामने तो देख रहे हैं लाल किला और मैंने हाँ देखो आ पोल आ जिथे केसरी निशान साहब चलाया गया से जो कि एक धार्मिक चिन्ह है सिख धर्म का। तो मैं हूँ यही देखना कि मैं टिकट कितों मिलेगी और किन्ने की टिकट आ सब कुछ देखा। मैं लगता इतने ना कोई प्रोग्राम वगैरह आया तो मैं लग रहा। फाइनली मैनू टिकट मिल गई है। अगर म्यूजियम वाली लैनी है तो 80 रुपए की, अगर उदा हैगी 50 रुपीज पर परसन। मैनू हमने गाइड साहब मिले थे, मेरे कहते मैं अमृतसर का हाँ, तो काफ़ी अच्छी मैनू उन्होंने नॉलेज दी है। तो अमृतसर का से कहते मैं पक मैं इदा भी लगता थोड़ा जिदा गाइड जेडे मैं इदा भी लगता थोड़ा जिदा कि ना गाइड मैं उन्होंने कहना कितने मैं क्या लुधियाने का, फिर वह मेरे पंजाबी बोलने लगे कहने मैं अमृतसर का शायद कहते दुबारा बनने बहुत टाइम लगे। सब तो बद 10 साल तो उपर समा यह दुबारा बनने लगे, लाल पत्थर ना बनिया हुई बऊआ। तो 1648 सन दोने तोपा रखिया हुई। देखो जिहड़ा ना आ वाला हिसाब था वा आह जिहड़ा तुसीं देखते पे ये मतलब पानी इत्थे भर दिंदे सी तां जो अंदर हमला ना कर सकन। ये तुसीं देखा ही होना शायद लाहौरी दरवाजा। चलो फिर अंदर एंटर करते हैं। वो देखो मनारा जड़िया सामने, जे कोई पंगा पुंगा लवे तो इतों ही गोली मार दो। देखो इतने लाल झंडा लहराया जाता उपर, इतने तुम पता ही सिंगा दे झंडा चढ़ाया था। देखो इधर अंदर पूरा बाजार लग्या होया। फर्स्ट एक्सपीरियंस हो कभी आया नहीं, आज बहुत ज़्यादा मुश्किल सामना करके अभी मैं पहुंचा धक्के दुक्के खा के, पर एक्सट्रीम ड्राइवर का मज़ा भी ताही है। बहुत समान इतने बिकता, देखो पूरा मार्केट ही लगी हुई है पूरी मार्केट। यही गल है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। गोरे साढ़े पास सारी चीज़ें नवी ही हैं क्योंकि जो पंजाबी पंजाब जोड़ा भी आता ना दिल्ली वास्ते हमेशा ही आकर्षित का केंद्र रही है। दिल्ली वो वास्ते हमेशा ही मतलब देखो उस समय याकूब जलालुद्दीन इमामुद्दीन मोहम्मद अकबर और नाम से शाहजहां ने उसकी स्थापना की थी 1213।
ऊपर डिजाइन देखो, ये हैगा इन्हां दा नौबत खाना। कहिंदे इत्थे जदों पुराने संगीत बजाया जांदा सीगा जां राजे दी जदों आंदा सीगा उदों कहिंदे सीगे जलालुद्दीन इमामुद्दीन मुहम्मद अकबर शहनशाह आ रहे हैं। इत्थे खड़ के दरबान आवाज़ आंदा होना, फिर उत्थों जांदा होना। लाल पत्थर होते थोड़ा थोड़ा क्रैक भी हो गया। देखो दीवाने आम दीवाने खास, जिहड़ा दीवाने आम सीगा उहदे विच आम लोकां नूं मिलदे सीगे, जिहड़ा दीवाने खास सीगा उहदे विच जो खास लोकां नूं मिलदे सीगे अमीरां नूं। ते मैं एक गल इत्थे नोटिस कीती है कि ना जिद्दां दे बंदा उद्दां दा। हुण कई इत्थे गोरे आए आ, कोई गोरियां नूं देखे जांदे आ, कई सिर्फ फोटोआं खिच्चण आए आ उह फोटोआं खिच्चे जांदे आ, कई ब्लॉगिंग करना आए मेरे वर्गे वो ब्लॉगिंग करी जाते हैं, कई कुछ खास ही लभ रही पत्थर के पिछों ओह ली जाते हैं। ये तख्तो ताज जलालुद्दीन इमामुद्दीन मुहम्मद अकबर, कितने बड़े बड़े इतने बैठ के उन्हें फैसले ले होने, इन्नी बड़िया बड़िया गल्ला कीतियां होने। जाओ महाराजा रणजीत सिंह के साथ लड़ाई करो, सरहंद के नवाब न गुरु गोबिंद सिंह जी कहते इतने आए हैं। देखो हयात बख्श बाग और मंडप दीवाने खास रंग महल। चलो जी हुण आपां चलदे हां दीवाने खास, पर जाई जाना यार आपां ते घूमण आए हां। देखो मालक ने किन्नियां सोहणियां चीज़ां बनाईयां, कुदरत देखो तुसीं, आ इदां जिहड़े कित्थे देखण नूं मिलणियां, किन्ने सौ पुराने दरख्त होणे आ, किन्नियां पुराणियां इन्हां ने मतलब किन्ना कुछ देखिया होना यार, किन्ने सौ मेरे ख्याल नाल इह 1647 यानी कि 1647 उदों दा बनिया होया। भैया आप घूम ली सारा, मैं इधर हो जाना। देखो मैं पता है इहदे विच जिद्दां कि किहड़ी चीज़ पुरानी हैगी है किहड़ी चीज़ नवीं दा बणाया आ। देखो हिंदुस्तान की जनता नूं रल ला के अपने बना लेंगे। देखो उस टाइम का तालाब होना है सारा लाल पत्थर। मेरे हिसाब ना जी उस टाइम का जो आर्टिटेक्ट या जो भी बनाने वाले थे वो सारा इस तरह का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मुगल उधरों ही लैके आए अपने नाल, उदा ही है सारा कुछ। देखो
ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਖਾਸ ਮਹਿਲ, ਖਾਸ ਮਹਿਲ। ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਬਈ ਮਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਬੁਰਜ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਹ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੀ ਹਾਊਸ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਲੌਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ, ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਬਲੌਗ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਸਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 4 ਵਜੇ।